नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। तो ये LG की टीवी है 32 इंच। तो ये इस कुछ इस तरह से आपका रिमोट है, और अगर आपकी टीवी में इंटरनेट की प्रॉब्लम है, इंटरनेट अगर कनेक्ट नहीं होता है, तो उसको कैसे सॉल्व करना है, इस चीज़ के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। तो बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि उनकी टीवी में नेट कनेक्शन नहीं आ रहा होता है, या उनकी टीवी में वो नेट कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो इस चीज़ का आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कैसे आप अपने टीवी में यूट्यूब को या फिर सब कुछ इंटरनेट के थ्रू चला सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे आपको सिर्फ नेटवर्क कनेक्शन, कैसे आपको अपने टीवी में इंटरनेट को कनेक्ट करना है, इसकी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको आना है टीवी सेटिंग्स पे। तो ये देख सकते हैं, ये सेटिंग का बटन है। तो मैं यहाँ पे सेटिंग के बटन को प्रेस करता हूँ। तो उसके बाद जैसे ही आप सेटिंग की बटन प्रेस करेंगे, तो आपका यहाँ पे आएगा नेटवर्क सेटिंग। तो ये देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से हमने सेटिंग को ओपन किया। तो यहाँ पे आपको ये पिक्चर का ऑप्शन आएगा, साउंड का ऑप्शन आएगा, उसके जस्ट नीचे प्रोग्राम, नेटवर्क, जनरल, सेफ्टी और ये एसेबिलिटी का, इस तरह से कुछ आपके ऑप्शंस आ जाएंगे सेटिंग के। तो इसमें आपको करना कुछ नहीं है, बस नेटवर्क सेटिंग पे प्रेस करना है। तो यहाँ पे आप जैसे ही नेटवर्क सेटिंग पे प्रेस करेंगे, तो कुछ इस तरह से ऑप्शंस आपके टीवी स्क्रीन्स पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये टीवी का मॉडल और नेम दिखा रहा है, तो ये टीवी का मॉडल है। उसके जस्ट नीचे आपका नेटवर्क कनेक्शन, नेटवर्क स्टेटस और वाईफाई डायरेक्ट का भी ऑप्शन आ रहा है। तो अब आपको क्या करना है, नेटवर्क कनेक्शन पे देखिए प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे स्टार्ट कनेक्शन करना है। उसके जस्ट पहले आपको अपने मोबाइल पे वाईफाई ऑन कर लेना है। तो मैं आपको ये देख सकते हैं कि ये मोबाइल पे हमने हॉटस्पॉट का ऑप्शन है, उसको ऑन कर लिया है। तो यहाँ पे आप मोबाइल या फिर आपकी जो भी वाईफाई डिवाइस, इंटरनेट राउटर जो भी आपका होगा, तो उसके आपको ऑन कंडीशन में रखना है। उसके बाद आपको ओके प्रेस करना है। ये स्टार्ट कनेक्शन में आप ओके प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरह से ऑप्शन आएगा। तो ये देख सकते हैं मेरी डिवाइस आ चुकी है। उसके बाद अगर आपके डिवाइस में पासवर्ड जो भी डाला होगा तो वो डाल देंगे आप। और अगर मैं देख सकते हैं मेरी डिवाइस में पासवर्ड नहीं डाला था, इसलिए डायरेक्ट कनेक्ट हो गई है। तो ये देख सकते हैं ये कनेक्टिंग टू द नेटवर्क का ऑप्शन, मतलब ये कनेक्ट हो रहा है। उसके बाद अदर नेटवर्क लिस्ट, मतलब अगर आपके पास दो चार वाईफाई डिवाइसेस हैं तो उसमें आपको चारों ऑप्शंस आ गए हैं। तो अदर कनेक्ट आप इस तरह से ये वाले अदर वाले ऑप्शन में जाके कर सकते हैं। और अगर वही डिवाइस पे आपको कनेक्ट करना है, तो बस आपको सिंपली कंप्लीट पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कनेक्शन रहेगा वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आपको नेटवर्क का स्टेटस अगर देखना है कि नेटवर्क आप कनेक्ट हो चुका है कि नहीं हुआ है, तो इस तरह से आप नेटवर्क स्टेटस चेक करना हो तो नेटवर्क स्टेटस पे आप क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं यहाँ पे सभी ऑप्शंस पे ग्रीन टिक हो चुका है। तो इसका मतलब है कि आपका जो नेटवर्क है वो क्लियरली टिक हो चुका है और कनेक्ट हो चुका है। तो ये देख सकते हैं ये पूरी डिवाइस की इंफॉर्मेशन भी दे रहा है कि जिस डिवाइस से आपका कनेक्ट हुआ है, और यहाँ पे ये टीवी, गेटवे, DNS और इंटरनेट भी कनेक्ट है। इसका मतलब आपकी डिवाइस से इंटरनेट भी आ रहा है। तो इस तरह से आप अपनी टीवी में इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप ये यहाँ पे वाईफाई डायरेक्ट का भी ऑप्शन है, तो इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ ओके करके। तो यहाँ पे भी सेम डिवाइस ऑन है तो उसी का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं अभी सर्चिंग हो रहा है, अभी ये यहाँ पे लोडिंग हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे कनेक्ट है, इसलिए ये डायरेक्ट वाईफाई, मतलब अगर आपकी टीवी में डायरेक्ट वाईफाई का वो लगा होगा राउटर, तब के लिए ये ऑप्शन रहेगा। तो अगर आप इंटरनेट से थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं तो ये ऑप्शन नहीं चल ओपन होगा। तो अब अगर इस तरह से आपको कनेक्ट कर लेना है अपनी टीवी में वाईफाई, और डिसकनेक्ट करने के लिए भी आपको कुछ नहीं करना है। ये यहाँ पे देख सकते हैं तो ये कनेक्ट है। उसके बाद आपको नेटवर्क के स्टेटस में आएंगे तो ये, तो इस तरह से कुछ आपको इंटरनेट के कनेक्शन के बारे में थोड़ी सी जानकारी देनी थी कि कैसे आपको अपनी टीवी में वाईफाई कनेक्ट करना है और आप इंटरनेट का यूज़ कैसे कर सकते हैं।
ऐप टीवी में इंस्टॉल करने के लिए या फिर जो भी इंटरनेट के थ्रू टीवी में काम होता है उसके लिए। तो यही आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी। तो वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद और आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।